गाइज वेलकम टू माई चैनल ग्रेवीज एंड मोर, जहाँ पे आज मैं बनाने जा रही हूँ स्टफ कीमा टमेटोज। जिसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है चिकन 400 ग्राम जितना, ये माइंस किया हुआ चिकन है। यहाँ पे ले लिए हैं मैंने टमेटोज, 5 लार्ज साइज टमेटोज है, जिसके सीड्स मैंने रिमूव करके उसको अंदर का पोर्शन एम्प्टी कर दिया है ताकि मैं उसमें कीमा स्टफ कर सकूँ। वहाँ पे मैंने ले लिया है एक मीडियम साइज का अनियन, जिसको कि मैंने बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पे है एक अनियन, मीडियम साइज अनियन का बरिस्ता, जो कि मैंने अभी अभी रेडी किया हुआ है। यहाँ पे धनिया पाउडर, सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से, गरम मसाला पाउडर, यहाँ पे 3G पेस्ट है, जिंजर गार्लिक एंड चिली पेस्ट, ये भी अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। मैंने यहाँ पे हाफ हाफ टी स्पून ईच लिया हुआ है। और ये टमाटर का जो स्टफ मैंने रिमूव किया था वो है, उसको भी यहाँ पे रखना है हमें, ये यूज़ करेंगे हम। सो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं आज की रेसिपी के। यहाँ पे ले लिए हैं मैंने तूर के सीड्स, जिसको कि मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। यहाँ पे ले लिया है मैंने पैन में डाल दिया है 2 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल। और यहाँ पे शामिल कर देते हैं जो माइंस किया हुआ है वो चिकन, इसका हमें बनाना है कीमा। इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक और चिली पेस्ट, जो कि मैंने हाफ टी स्पून ईच लिया था, और इसको अच्छे से भून लेना है, चलाते हुए भूनना है ताकि आपस में लंप ना हो जाए, इसको थोड़ा एहतियात से करना। कीमा भुन रहा है मेरा, तकरीबन अब रेडी हो जाएगा। इस पॉइंट पे आपको ऐड कर देना है चॉप किया हुआ अनियन, जो कि 1 मीडियम साइज मैंने चॉप करके रखा था। कुछ देर अनियन को पकाने के बाद हमें ऐड कर देना है इसमें धनिया पाउडर, अच्छे से मिक्स कर देना है। शामिल कर देंगे सॉल्ट, जो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, और शामिल कर देंगे इसमें गरम मसाला पाउडर। कुछ देर भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो टमेटो का सेंटर पोर्शन हमने रिमूव किया था, जो कि उसका सीड और उसका बीज का थोड़ा सा पोर्शन था, वो शामिल कर देंगे। अच्छे से कर देना है मिक्स, और इसको कुछ देर तक और पका लेना है। इसमें 1/4 टीस्पून जितना हल्दी जाएगा इस पॉइंट पे। जस्ट अ पिंच ऑफ हल्दी। ये थोड़ा सा अच्छा कलर उसको देगा। आप चाहे तो इसमें रेड चिली पाउडर भी 1/4 टीस्पून इस्तेमाल कर सकते हैं, हम थोड़ा स्पाइस कम खाते हैं। अब थोड़ी देर इसको भून लेना है। कीमा यहाँ पे मेरा तकरीबन रेडी है, थोड़ी देर और वेट करेंगे जब तक कि इसका साइड से ऑयल ऊज आउट ना हो जाए। मेरा ऑयल ऊज आउट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं साइड्स पे ऑयल आ चुका है। तो इस पॉइंट पे हमें ऐड कर देना है इसमें बरिस्ता, जो कि हमने करके रखा था, उसकी हाफ क्वांटिटी हम इसमें ऐड कर देंगे फिलहाल, और हाफ हम रखेंगे गार्निशिंग के लिए। अच्छे से मिक्स कर देना है। अब ऐड करेंगे उसमें जो हमने बॉईल की हुई थी तूर, वो ये इस तरह के पीस होते हैं जो विंटर्स में मिलते हैं, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ऐड कर देते हैं स्प्रिंग अनियन, जिसकी के मैंने हाफ क्वांटिटी अभी ऐड करनी है, और कुछ क्वांटिटी गार्निशिंग के लिए रख देना है।
अच्छे से मिक्स करना है और ऐड करना है इसमें स्प्रिंग गार्लिक, उसकी भी थोड़ी क्वांटिटी हम रख लेंगे गार्निशिंग के लिए। मिक्स कर दीजिए अच्छे से और हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। अब हमें इस स्टफिंग को, कीमा की स्टफिंग को टमाटो में, यहाँ पर मेरा कीमा बिल्कुल रेडी है, इसको स्टफ कर सकते हैं इस पॉइंट पे आप टमाटोज में, और आप चाहे तो ऐसे भी इसको खा सकते हैं रोटी या परोठे के साथ। यहाँ पे शामिल कर देंगे हाफ लेमन का जूस। टमाटोज को हम स्टफ कर देते हैं। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने दे सकते हैं। सो टमाटो स्टफ कर लिए हैं मैंने, अब इसका जो कैप है वो वापस लगा देना है सारे टमाटोज के ऊपर। सो इस तरह से मैंने हर एक टमाटो में 2-2 टूथपिक प्रिक कर दी है ताकि उसका कैप खुल नहीं जाए। थोड़ी देर इसको ढक के पका लेना है। हल्का सा वाटर ऐड कर देते हैं इसमें हर साइड से ताकि अच्छे से कुक हो जाए, और इसको कर देते हैं कवर। ये मेरा टमाटोज रेडी हो चुका है। इसको 10 से 12 मिनट के लिए मैंने ढक के रखा था, और इसमें थोड़ा ही पानी आपको ऐड करना है, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है बिकॉज टमाटोज अपना पानी भी रिलीज करते हैं। सो इस पॉइंट पे ये सर्विंग के लिए रेडी है, इसकी कर देते हैं अब गार्निशिंग। सो यहाँ पे मैंने प्लेट में रिमूव कर दिया है और इसकी कर देते हैं गार्निशिंग। सो धनिया डाल दिया, थोड़ा सा स्प्रिंग गार्लिक, स्प्रिंग अनियन, और जो अनियन हमने फ्राई किए थे वो डाल दिए। सो कुछ ऐसी लग रही है मेरी डिश। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करिए, और ये ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।